ने कहा कि गाय पर हमला किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं यूपी के बड़े मंत्री आजम खान ने दादरी में अखलाक की हत्या को लेकर पीएम मोदी और बीजेपी पर निशाना साधा। सीधी सी बात है, हमारी मां का कोई अपमान करेगा हम मर जाएंगे, सहन नहीं करेंगे, मर जाएंगे, मार देंगे। हमारी भारत माता रोज क्या कर रही है इंडिया, भारत माता की तरफ कोई उंगली उठाता है कोई आतंकी तो हमारे लोग शहीद भी होते हैं, सामने वाले को मारते भी हैं। अगर हम ऐसे ही अहिंसावादी हैं तो काहे को फिर हम जवाब दे करारा जवाब देते हैं। तो जैसे हमारी शरीर को जन्म देली मां है, वैसे ही हमारी भारत माता है जिसके लिए हम कहते हैं तेरा बहु अमर रहे मां हम दिन चार रहे न रहे, वैसे ही हमारी गौ माता है। एक तरफ साक्षी महाराज जो मेंबर पार्लियामेंट है, आदित्यनाथ मेंबर पार्लियामेंट है, जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वो आप सब जानते हैं। आज उन्होंने हमारी मां को काट देने के लिए कहा है, तो ये सिर्फ धोखे की भाषा है और इस धोखे में ना हम आएंगे और ना ही इंटरनेशनल बिरादरी आएगी। एक अलर्ट और भी जारी हुआ है नागपुर से और वो ये हुआ है कि अपने हथियार तैयार रखो, किसी भी वक्त कुछ हो सकता है। राज्य सरकार क्या करेगी, जब केंद्र की सरकार आग लगाने के लिए बिल्कुल दरपय हो और गुलाबी क्रांति के नाम पर प्रधानमंत्री अपने सारे वॉलंटियर्स को छोड़ दें, कोई जाइए आग।